बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिज्म। और तमाम नए आने वाले दोस्तों को वेलकम। हम अपने पीपीएससी की प्रिपरेशन की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें और साथ दी गई घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे डेली बेसिस पे आने वाले जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, अमीबा सेक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम टू हाइड्रोलाइज। जी, अमीबा बेसिकली एंजाइम सेक्रेट करता है स्टार्च, शुगर और प्रोटीन, इन तीनों को हाइड्रोलाइज करने के लिए, और उसके साथ साथ फैट्स को भी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज एंड फैट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द नंबर ऑफ डॉटर पैरामीशिया प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग कंजुगेशन इज। जी, जो पैरामीशियम के अंदर बेसिकली कंजुगेशन होती है वो 8 फ्रॉम 2 कंजुगेंट्स होती है। देन जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, क्रोला एंड कैलिक्स कलेक्टिवली टर्म्ड एज पेरियंथ, हर्माफ्रोडाइट, कंप्लीट फ्लावर आर सेक्सुअल वर्ड्स, सो दे आर नाउन एज हर्माफ्रोडाइट। दी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, स्पायरोगेनी ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स अकर इन। सो स्पायरोजेनी ऑफ मलेरिया जो है वो स्टोमिक वॉल ऑफ मॉस्किटो के अंदर क्या होती है, अकर्स मौजूद होती है। देन जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा रिप्रोड्यूस्ड बाई एंसेस्टमेंट। इंसेस्टमेंट होती है जिसके थ्रू अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। देन जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द माइल्ड टर्टियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स। ये जो मलेरिया है माइल्ड टर्टिया, ये मलेरिया की एक टाइप है जो कि प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स प्रोटोजोआ से कॉज होती है। देन जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ हेपरिन। ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो ब्लड की क्लॉटिंग को, सॉरी ब्लड की कोगुलेटिंग को इनहिबिट करती है। सो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड कोगुलेट नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, एक्यूरेट नेम गिवन टू ब्लड इज। जी, ब्लड को हम फ्लूइड टिश्यू भी कह देते हैं, सो इट इज एक्यूरेट नेम। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, स्वेट ग्लैंड्स अकर इन ग्रेटेस्ट नंबर इन द स्किन ऑफ आर्मपिट्स। तभी हम कहते हैं बगलों में पसीना जो आता है, ये बेसिकली इसी वजह से आता है कि वो आर्मपिट्स के अंदर स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो ग्रेटेस्ट इन नंबर होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, प्रोटीन विच एक्ट एज हार्मोन इज। जी, ऑक्सीटोसिन, जैसा कि आप जानते हैं ये बेसिकली डिलीवरी हारमोन्स में से है, और इस ये बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि हारमोन की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट एम सी क्यूज इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नाउन एज एंटी स्टीराइल फैक्टर, सो एस्क्रोबिक एसिड। इसे ये विटामिन है जो कि हाँ एंटी स्टीराइल फैक्टर कहलवाता है। नेक्स्ट एम सी क्यूज इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूजफुल इन ऑस्टियोमलेसिया। सो ऑस्टियोमलेसिया बेसिकली बोन फॉर्मेशन होती है, और इसके अंदर विटामिन डी जो है वो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट एम सी क्यूज इज, ह्यूमन बॉडी मेक्स अबाउट 20 मिलियन एरेथ्रोसाइट्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर 20 मिलियन एरेथ्रोसाइट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एम सी क्यूज इज, इंजेशन ऑफ बैक्टीरिया बाई सर्टेन टाइप ऑफ सेल इज टर्म्ड एज फैगोसाइटोसिस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके जो रिजल्ट में सेल्स जो हैं वो इनसाइड लाइक कोई भी पार्टिकल्स लेके जाते हैं, और इस केस में क्या हो रही है, इंजेशन हो रही है बैक्टीरिया की। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आरबीसीज इन अ सिंगल ड्रॉप और माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इज इन वोमेन। तो ये वोमेन के अंदर सिंगल ड्रॉप के अंदर 4 to 5.2 मिलियन ड्रॉप क्या कह सकते हैं नंबर्स हो सकते हैं आरबीसीज के। सो ये हमारे पास है जी ऑप्शन डी, 4 to 5.2 मिलियंस इन केस ऑफ वोमेन। वेल द नॉर्मल रेंज ऑफ नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इन बिटवीन 4500 to 10,000। ये आपके पास कम नंबर में मिकदार में मौजूद होते हैं, दीज आर द आर्मी ऑफ द बॉडी।
डनजी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आरबीसीज इन अ सिंगल ड्रॉप और अ माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इन मैन सो फार 4.5 to 6.5 मिलियन। ह्यूमन के केस में, वोमेन के केस में हमने देखा है कि 4.5 से 5.2 है, जबकि इन केस ऑफ मैन 1 मिलियन जो है वो ज़्यादा होता है, 10 मिलियन जो है वो ज़्यादा होते हैं। देन जी नेक्स्ट एम सी क्यूज इज पार्किंसन इज अ डिजीज ऑफ ब्रेन। यहाँ पे पूछा गया है कि किस ऑर्गन में होती है, तो ब्रेन में ज़्यादा होती है। देन जी असेटोबुलेरिया इज अ काइंड ऑफ असेटोबुलेरिया, दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ यूनिसेलुलर अल्जी। देन जी असेटोबुलेरिया मेडिटेरियन हैज अ कैप, व्हाट इज द हर्बिनेशन एंड एक्टिवेशन। ये बेसिकली अडॉप्टेशन होती हैं जो कि असेटोबुलेरिया से हमें नज़र आती हैं। देन जी नेक्स्ट एम सी क्यूज इज एंजाइम एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी चार्टेड थ्रू द रेट ऑफ रिएक्शन। जी रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके थ्रू हम एंजाइम एक्टिविटी को गैस कर सकते हैं कि एंजाइम जो है कितना एफिशेंसली वर्क कर रहा है, मीन एंजाइम एक्टिविटी फास्टर है या स्लोअर है। जी नेक्स्ट एम सी क्यूज इज बी ओ डी रेफर टू, ये बेसिकली बी ओ डी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कहते हैं, इट इज़ बेसिकली एब्रीवेटेड एज बी ओ डी। देन जी सेल्फ पोलिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन डायोशियस प्लांट्स एंड पावपा। ये बेसिकली पावपा जो है ये एक एग्जाम्पल है डायोशियस प्लांट्स की, इसी वजह से ए एंड बी जो है ये करेक्ट आंसर है। देन जी नेक्स्ट एम सी क्यूज इज लव इज साउंड प्रोड्यूस्ड आफ्टर। अच्छा ये बेसिकली लव एंड डब ये दो साउंड्स हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रोसीड होती हैं, और लव जो है ये उस वक्त प्रोसीड होती है जब बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स क्लोज होते हैं, और जब हमारे पास बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ओपन होते हैं तो उस टाइम डब की आवाज़ प्रोड्यूस होती है, डी यू बी डब की एंड देन लब की। ठीक है जी नेक्स्ट एम सी क्यूज इज एग्जाम्पल ऑफ एपेजियल जर्मिनेशन इंक्लूड। एपेजियल जर्मिनेशन जो है मेन ऊपर के थ्रू इसकी जर्मिनेशन होती है, एज जैसा कि आप जानते हैं हाइपोजियल होते हैं मेनली रूट फर्स्ट टाइम निकलती है, लेकिन एपोजियल जर्मिनेशन में शूट्स पहले निकलती हैं, एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सोड बीन सीड। देन जी नेक्स्ट एम सी क्यूज इज ऑल आर द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, बट जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, और यहाँ पे उसके फंक्शन दिए गए हैं, इट मेनली रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, इट मेनली रेगुलेट द स्लीप एंड इमोशंस, एंड इट अलॉन्ग विद दीज टू मेन फंक्शन इट आल्सो रेगुलेट द ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये इसकी रेगुलेशंस नहीं है। नेक्स्ट एम सी क्यूज इज मोर वाटर इज रीअब्जॉर्ब इन ब्लड ड्यू टू मोर एंटी डायोरेटिक हारमोन। ए डी एच हारमोन है जो कि वाटर रीअब्जॉर्बशन कराता है ब्लड से, सो जितना ज़्यादा ये हारमोन प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा वाटर की अब्जॉर्बशन भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एम सी क्यूज इज सिसाइल फ्लावर्स हैर नो पेडिसल्स, जो पेडिसल्स हैं ये सिसाइल फ्लावर के अंदर नहीं होते। नेक्स्ट एम सी क्यूज इज स्टैमन्स आर नॉट यूजली पेंडुलस इन प्लांट्स पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स। जी इंसेक्ट्स के थ्रू जिन प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होती है उनके अंदर स्टेमन इतने ज़्यादा पेडिंकल्स नहीं रखते, पेंडुलस नहीं होते। देन जी नेक्स्ट एम सी क्यूज रेगुलर शेप, सॉरी टू से ये पता नहीं किस कौन सा एम सी क्यूज आ गया था, लेकिन ये इसके आंसर में रेगुलर शेप्स आ गया था, सो स्टेटमेंट याद नहीं रही, सो डजेंट मैटर। नेक्स्ट हम एम सी क्यूज की तरफ मूव करते हैं। गॉड सेल ऑफ स्टोमेटा आर बेसिकली, यहाँ पे शेप की बात की गई है, और जैसा कि आप जानते हैं स्टोमेटा जो हैं ये बेसिकली ओपनिंग्स हैं, स्मॉलेस्ट ओपनिंग लीव्स के अंदर से जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है, और ये पूछा गया है कि गॉड सेल जो हैं उनकी शेप क्या होती है, तो दे आर बेसिकली किडनी शेप्ड इन नेचर, एंड देन दे आर आल्सो रिप्लेस्ड बाय द बीन शेप्ड एज आल्सो। ठीक है जी। देन जी स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग आयरन इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, और ये आप जानते हैं कि ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर या एरिथ्रोसाइट्स के अंदर मौजूद होती है, और इसका काम जो है ऑक्सीजन कैरियंग एबिलिटी है। देन जी जाइगोट विद थ्री कॉपीज
क्रोमोसोम 21 इज नाउन टू कॉज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ऐसी डिजीज है जिसके अंदर 21 क्रोमोसोम जो है उसकी 3 कॉपीज मौजूद होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, काइंड ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू विच स्केलेटन मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी गेट्स द एनर्जी इज एनरोबिक रेस्पिरेशन। सो स्केलेटन मसल जो हैं उनके अंदर एनरोबिक रेस्पिरेशन पाई जाती है जिसकी वजह से वो एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं और फिर एनर्जी गेन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज फ्यूल यूज्ड बाय सेल इन सेलुलर रेस्पिरेशन टू गेट एनर्जी इज। अच्छा, जो हमारे पास सेल्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर मेनली ग्लूकोज यूज करते हैं और ग्लूकोज की लाइक ब्रेकेज से क्या करते हैं, एटीपी गेन करते हैं या एनर्जी गेन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज काइंड ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन विच अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एनरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा सॉरी, ये जो हमारे पास प्रेजेंस होगी ऑक्सीजन की उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, ये ऑप्शन जो है ये गलत लगा हुआ है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो उस केस में एनरोबिक रेस्पिरेशन होगी। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज इज स्पेशल एंजाइम आर रिलीज्ड ड्यूरिंग नेक्रोसिस फ्रॉम लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है ये बेसिकली ऑर्गेनेली है, लाइक सपोज एक सेल्स के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजाइम मौजूद हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं, नेक्रोसिस कराते हैं। नेक्रोसिस यू ऑलरेडी नो दैट टू टर्म्स होती हैं, एक एपोप्टोसिस होती है और एक नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर प्रोग्राम्ड सेल डेथ करवाई जाती हैं, सेल को उनको डाई करवाया जाता है। देन जी, नंबर ऑफ सेल्स दैट आर डिस्ट्रॉयड इन अडल्ट बाई एपोप्टोसिस आर 50 to 70 billion सेल्स। अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर ये हमारे पास सेल जो हैं ये थ्रू एपोप्टोसिस जो है डाई करवाए जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय करवाए जाते हैं। और एपोप्टोसिस बेसिकली प्रोग्राम्ड सेल डिस्ट्रक्शन होती है। देन जी, बायोब्स आर द ब्रोक ऑफ फ्रॉम सेल आर कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज। ये बेसिकली बायोब्स नहीं है, यहाँ पे बॉडीज हैं और एपोप्टोसिस के नतीजे में जो हमारे पास सेल से बॉडीज बनती हैं या सेल ब्रेकेज से जो पार्टिकल्स अलहदा होते हैं उन पार्टिकल्स को हम एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं। और उसके साथ साथ जो नेक्रोसिस के केस में हमारे पास रिलीज होती हैं उनको नेक्रोसिस बॉडीज कहते हैं। देन जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज क्राइसेंथेमम इज प्रोपिगेटेड बाय सकर्स। ये सकर्स जो है ये लाइक पैथोजेंस हैं, ब्लड्स को सक करते हैं और उसके साथ साथ क्राइसेंथेमम जो है ये एक डिजीज है। देन जी, आउटर सरफेस ऑफ बोन इज कवर्ड बाय द डेंस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज प्रोसियो पेरियोस्टिमम। ये बेसिकली सेल्स हैं जो कि एक लेयर बनाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज की जो कि बोन के ऊपर कवर करते हैं, सो पेरियोस्टिमम। देन जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एन अदर नेम ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेप्टिक या हेपेटिक भी इसे बोला जाता है, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, सो हेपेटिक बेसिकली इज द अनदर नेम ऑफ लिवर। देन जी, द जॉइंट्स बिटवीन फ्लैट बोन ऑफ स्कल आर टर्म्ड एज सेचर जॉइंट्स आर सेंडिमियोसिस। सो सेचर या सेंचर जॉइंट्स आर द बेसिकली बोन्स सॉरी जॉइंट्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल। सो ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। देन जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज लेंथ ऑफ मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा इज अबाउट 1 centimeter। जो यूरिथ्रा है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है लाइक यूरिनरी ब्लैडर से आगे और इसकी जो लेंथ है दैट इज 1 centimeter और इसकी मेम्ब्रेनियस जो हमारे पास यूरिथ्रा है उसकी लेंथ का यहाँ पे जिक्र किया गया है। देन जी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोसिस इज नाउन एज कैरियोकाइनेसिस। जब हमारे पास सेल डिवीजन हो रही होती है तो उस टाइम पे 2 प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस हमारे पास कैरियोकाइनेसिस का होता है और दूसरा प्रोसेस जो है वो साइटोकाइनेसिस का होता है। सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नेम्ड एज कैरियोकाइनेसिस व्हाइल द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नेम्ड एज साइटोकाइनेसिस। देन जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियस के अराउंड जो है डबल मेम्ब्रेन एक लेयर मौजूद होती है जिसको हम
न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं और इसका काम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करना है। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज द स्पीशीज ऑक्युपेशन। सो स्पीशीज ऑक्युपेशन जो है इसको हम निश के तौर पर रेफर्ड करते हैं। सो ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देन जी द फर्स्ट एवर वैस्कुलर प्लांट्स आर, जो सबसे पहले वैस्कुलर प्लांट्स डिस्कवर किए गए थे, दे वर नेम्ड एज कॉक्सोनिया। यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। देन जी द सर्कुलर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर विद अ राउंड होल इज, ये आई जो है उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका जिक्र किया गया है। तो सर्कुलर डिस्क जो हमें नजर आती है इन अ राउंड होल फॉर्म, इट इज बेसिकली आयरस। देन जी नेक्स्ट एम सी क्यूज इज एंड द लास्ट वन इज द हायर एनिमल दैट हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एज देयर स्किन इज, अच्छा जहाँ पे जो एनिमल जिनके अंदर हायर आर्गन या स्पेशल आर्गन जो है मौजूद होते हैं रेस्पिरेशन के लिए या गैसेस एक्सचेंज के लिए, उनकी स्किन जो होती है दैट इज थिक इन नेचर, और जिनके लाइक ह्यूमन के अंदर जो है लंग्स मौजूद हैं, सो इनकी थिक क्या है, स्किन क्या है, थिक है। और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है लाइक अर्थ फॉर्म, उनके अंदर कोई स्पेशल आर्गन जो है वो मौजूद नहीं होता, सो उनकी जो लाइक स्किन होती है वो थिन इन नेचर होती है और वहाँ पे इजीली गैसेस एक्सचेंज होते हैं। सो आज की क्लास यहाँ तक एंड करते हैं। होप सो आप तमाम को क्लास के एमसीक्यूज क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।